हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। भाई आप आज की वीडियो में ये बताएंगे, इंस्टाग्राम की वीडियो है, मतलब इंस्टाग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। आप भाई इंस्टाग्राम पर कोई स्टोरी लगाते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये इंस्टाग्राम है मेरा, यहाँ पर जो है मैंने कोई स्टोरी लगाई, यहाँ पर देखिए ऐसे स्टोरी लगाते हैं कोई भी। तो स्टोरी लगाने के बाद वो स्टोरी, ऐसे मैंने कोई स्टोरी यहाँ पर पोस्ट कर दी, जैसे ही मैं पोस्ट करूँगा तो ये स्टोरी भाई यहाँ पर 24 आवर्स के लिए अवेलेबल रहेगी, और उसके बाद ये यहाँ से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। देखिए सबकी जो है यहाँ पर स्टोरी लगी हुई है, देखिए ये मनोज भाई की स्टोरी है, इस तरह से लगी हुई है। तो 24 घंटे के बाद ये सारी जो है स्टोरी यहाँ पर डिलीट हो जाती है, मतलब ये हमें शो नहीं होती, ना हमें शो होती है, ना हमारे फॉलोवर को शो होती है, किसी को भी शो नहीं होती है। तो आपके दिमाग में एक बात आई होगी, भाई ये स्टोरी डिलीट होने के बाद, यहाँ से हटने के बाद जाती कहाँ है। तो भाई ये स्टोरी आपके 24 घंटे के बाद कहीं पर नहीं जाती, आप जब भी चाहो इनको एक्सेस कर सकते हो, मतलब डाउनलोड कर सकते हो, रख सकते हो। कई बार ऐसी होती है भाई, बहुत अच्छी स्टोरी हमने लगा ली और वो स्टोरी हमसे जो है फोन से डिलीट हो गई, पर इंस्टाग्राम पर है, पर हमें पता नहीं है कहाँ पर है, क्योंकि वो तो वहाँ से जो है हट चुकी है और उसको हम डाउनलोड कर अपने फ़ोन में लाना चाहते हैं, दोबारा से कहीं उसका यूज़ करना है। तो इस वीडियो में यही बताऊँगा कैसे आप अपनी जो है स्टोरी को 24 घंटे के बाद भी वहाँ पर रिकवर कर सकते हो, मतलब देख सकते हो, उसका जो चाहे यूज़ कर सकते हो। तो चलो भाई वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो देखिए इंस्टाग्राम पर आओगे आप, इंस्टाग्राम पर आने के बाद ऐसा इंटरफेस होता है, मतलब ऐसा इंटरफेस आता है इंस्टाग्राम पर। तो यहाँ पर जो नीचे प्रोफाइल का वाला आइकन आता है, इस पर चले जाना है। इस पर जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, ये देखिए 3 लाइन का, सारी सेटिंग आपको 3 लाइन में ही मिलेगी भाई। यहाँ पर देखिए 3 लाइन में आओगे तो यहाँ पर अकाउंट सेंटर मिल जाएगा, इसमें तो आपकी बहुत सारी सेटिंग मिल जाएगी, जब पासवर्ड से रिलेटेड आपके जो है अकाउंट डिलीट डीएक्टिवेट सारी इससे रिलेटेड यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ से आना है बैक, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है भाई देखिए आर्काइव का, मतलब आर्काइव का मतलब क्या होता है कि ये ऑटोमेटिकली वहाँ से डिसेबल या भाई ऐसा हो जाता है कि वो किसी को दिखाई नहीं देती है। तो स्टोरी जितनी भी लगाइए यहीं पर आपको मिलेंगे, आपको अर्काइव में जाना है। अर्काइव में जाने के बाद जो भी आपकी रिसेंट स्टोरी है, जो आपने अभी लगाई है, आज कल परसों तरसों, जो 4-5 दिन 10 दिन पहले लगाई थी, तो वो वहां से हटने के बाद यहां पर सारी स्टोरी आ जाएंगी। ये देखिए सभी स्टोरी आपको यहां पर मिल जाएंगी और डेट के साथ मिलेंगी, ये देखिए 18 अप्रैल, 17 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3, 5, तो डेट के साथ मिलेगी। अब भाई यहां तक तो 21 अप्रैल तक है, क्योंकि आज की डेट जो है 21 अप्रैल है, आज तक की है, पर उससे पहली मतलब मार्च की, फरवरी की, जनवरी की, दिसंबर की, 2022 की, 21 की, वो कहां पर मिलेंगे कि जो जो हमने आज तक लगाई है। तो आपको उसके लिए यहीं पर ऑप्शन मिलता है, ये देखिए ऊपर कैलेंडर का, आपको इस कैलेंडर पे जाना है। यहां पर जैसे ही आप यहाँ पर जाओगे तो देखिए यहाँ पर कौन सा मंथ आ गया भाई, ये देखिए मार्च 2024। तो मैं आपको थोड़ा पीछे जाके दिखाता हूँ, ये तो मार्च 2024 है, देखिए भाई हम आ गए यहाँ पर अगस्त 2022 में। तो यहाँ पर भी हम अपनी स्टोरी देख सकते हैं, जो जो मैंने स्टोरी लगाई थी, ये देखिए मैंने यहाँ पर 3 अगस्त को भी लगाई थी, 5 को भी लगाई थी। अब आप कहोगे कि इनको खोल के दिखाओ, तो मैं आपको खोल के दिखाऊंगा ये स्टोरी आपको। तो मैं आपको 8 अगस्त वाली दिखाता हूँ एक बार, देखिए 8 अगस्त पर क्लिक करते हैं तो ये स्टोरी मेरी यहाँ पर, ये देखिए ये 8 अगस्त को मैंने यहाँ पर स्टोरी लगाई थी 11:13 पर। ऊपर आप डेट भी सकते हैं भाई, ये देखिए ऊपर आपको यहां पर डेट भी हो जाएगी, ये देखिए यहां पर ऊपर आपको डेट भी शो हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी स्टोरी देख सकते हैं। मैं आपको और भी दिखाता हूं, यहां पर जो है लेटेस्ट दिखाता हूं, जनवरी की दिखाता हूं, देखिए भाई 2 जनवरी की देख लो आप, ऊपर इसकी भी आप डेट देखना है, देखिए 2 जनवरी 2023 10:58 पर। और भी दिखा देता हूं आपको यहां पर, ये देखिए ये 13 फरवरी की है। तो इनको ये सारी स्टोरी आपको यहां पर मिल जाएंगी, उनको यहां से आप इससे आप जो है सेव भी कर सकते हैं, ये देखिए सेव फोटो, ये तो फोटो है, जो भी आपकी स्टोरी है मतलब कोई वीडियो टाइप है तो उसको भी आप सेव कर सकते हैं, देखिए डिलीट भी कर सकते हैं। और देखिए और भी आपको दिखाता हूं, कोई वीडियो फॉर्मेट की अगर कोई स्टोरी होगी तो वो भी आपको यहां से सेव या डाउनलोड कुछ भी कर सकते हैं, ये देखिए यहां से मोर पर आओगे सेव वीडियो, ये आ गया देखिए भाई ये सेव वीडियो। तो इस तरह से आप अपनी जो आपकी पास्ट की स्टोरीज हैं, जितनी भी आपने लगाई थी, पहले लगाई थी 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, 10 महीने पहले, मतलब 1 साल पहले, मतलब जब से आज तक आपने इंस्टाग्राम अपना किया है और उस पर स्टोरी लगाई है, तो सारी स्टोरी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे के बाद वो वहाँ पर नहीं मिलेगी, क्योंकि 24 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली आपकी सभी स्टोरीज वहाँ से डिसेबल हो जाती है, वो आपको दिखाई नहीं देती है। तो इस ट्रिक को फॉलो करके, इस सेटिंग को फॉलो करके आप अपनी पुरानी से पुरानी, जब से आपने इंस्टाग्राम चालू किया है और आज तक की सारी स्टोरी आप डाउनलोड जो है आप कर सकते हो अपने फ़ोन के अंदर, उनका जब चाहे जब यूज़ कर सकते हो। तो भाई सेटिंग अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।